साथ मैं सोनी चौहान। सबसे पहले बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। नागरिकता संशोधन एक्ट को लेकर कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है और इस बीच उपद्रवी हिंसा फैलाने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। दिल्ली, बिहार, यूपी, गुजरात सहित अन्य राज्यों में अब तक हजारों लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की जा चुकी है। वहीं यूपी के मुखिया CM योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नागरिकता कानून को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम और बहकावे में कोई भी ना आए। प्रदेश में हर व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने का दायित्व उत्तर प्रदेश सरकार का है और यूपी पुलिस हर व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान कर रही है। विरोध में प्रदर्शनों के दौरान उत्तर प्रदेश में हुई व्यापक हिंसा पर राज्य के पुलिस महानिदेशक DGP OP सिंह ने कहा है कि हिंसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। DGP ने यह भी कहा कि हिंसा में बाहरी तत्व का हाथ है। उन्होंने कहा कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उन्होंने हिंसा की है। DGP ने यह भी बताया कि लखनऊ में 218 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और इसी बीच बड़ी खबर जालौन से मिल रही है। अनियंत्रित होकर पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर।